हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इमरहमान यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज यानी 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में NRC के बारे में जो सुनवाई हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट जन्म सूत्र के बारे में क्या आदेश दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसने नागरिकता अधिनियम की धारा 3 और 6A के साथ ही अधिनियम के तहत प्रावधानों पर विचार किया है। तो उसका प्रभावी रूप से मतलब क्या होता है जन्म सूत्र के ऊपर, आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा। पूरा जानने के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है नए नए अपडेट सबसे पहले लाने की। तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबाकर रख लीजिए, ताकि नए नए अपडेट नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए इस बारे में जल्दी से जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी देखिए, असम NRC पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र सरकार की मांग। पूरा देखिए आप, ये भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC का लेकर केंद्र सरकार की मांग को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने NRC को दोबारा करने और फिर से जांच करने की मांग की थी। इस बारे में मैंने पहले आपको वीडियो बना के दे दिया था। यह भी देखिए नीचे आप, ये भी देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने नागरिकता अधिनियम जो है 3 और 6A धारा के साथ ही अधिनियम के तहत जो है प्रावधानों पर विचार किया है। तो उसका मतलब ये भी नीचे देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी अभिभावक में से कोई एक संदेशपद वोटर है या विदेशी घोषित किया गया है या केस लड़ रहा है, उसका बच्चा 3 दिसंबर 2004 से खचार के बाद पैदा हुआ है, तो वो NRC के दायरे से बाहर होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे और आप देखिए देखिए, अवैध प्रवासी की सुनवाई जिस ट्रिब्यूनल में चलेगी उसके खिलाफ अपील गुवाहाटी हाईकोर्ट में की जा सकेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की आखिरी सूची जारी करने की तारीख बढ़ा दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नागरिकता अधिनियम की धारा 3 और 6A के साथ अधिनियम के जो है तहत प्रावधान पर विचार किया है, उसका प्रभावी रूप से मतलब ये है कि अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है और आपके जो है अभिभावक में से कोई एक संदेश पद वोटर या विदेशी घोषित किया गया है या केस लड़ रहा है, तो उनका जो है NRC के दायरे से बाहर हो जाएगा उनका नाम। तो फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको समझने में, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि आप लोग के जो दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं उनको भी इस बारे में पता चल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।